हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज अष्टमी है तो मैं अष्टमी की रात को पूजा घूमने निकली। सोचा क्यों ना आप लोगों से कुछ पेंडल शेयर करूं मेरे टाउन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सुनाई रोड गई जहां पे तरुण क्लब है। तो गाइस, ये तरुण क्लब का पेंडल है दुर्गा का और येलिश थीम है इन लोगों का। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा डेकोरेशन करके रखा है। तो गाइस, मैं आप लोगों को अंदर का दुर्गा का मूर्ति कैसा है वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ अंदर पेंडल के। ये देखिए गाइस, बहुत बड़ा मूर्ति है और सच में गाइस इतना बारीकी से काम किया है मूर्ति में, देखने में गाइस बहुत ही सुंदर है। तो मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रही हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट पेंडल में जा रहे हैं जो कि सुनाई रोड में है और इस क्लब का नाम है श्री भूमि क्लब है। और ये क्लब 2021 से स्टार्ट हुआ था इस यहाँ का पूजा। तो गाइस, यहाँ का मूर्ति बहुत ही अनकॉमन है, बहुत ही सुंदर है, आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। अभी हम लोग लिंक रोड आ गए तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले आप लोगों को लिंक रोड का रोड में जो डेकोरेशन हुआ है पूजा के लिए वो सब दिखाऊंगी। गाइस, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पूरा जगह में लोग ने लाइटिंग करके रखा हुआ है। तो अभी हम लोग आए हैं श्रीपल्ली दुर्गा पूजा में आए। गाइस, ये एक स्कूल है तो स्कूल के आंगन में ही परमानेंट एक पेंडल बना के रखा हुआ है। जस्ट ये लोग डेकोरेशन करते हैं, मूर्ति लेके आते हैं। तो गाइस, ये पेंडल लिंक रोड में है। तो देखिए गाइस कितना सुंदर डेकोरेशन करके रखा हुआ है, पूरा ही लाइटिंग है और मूर्ति भी गाइस बहुत ही सुंदर है। अभी हम लोग अभी मेहरपुर जा रहे हैं। तो गाइस, ये मेहरपुर का रोड का डेकोरेशन है। गाइस सच में बहुत ही सुंदर डेकोरेशन करके रखा हुआ है। तो अभी हम लोग जाएंगे मेहरपुर दुर्गा पूजा में जाएंगे जो कि मेहरपुर लाइन में है। देखिए गाइस, बहुत ही सिंपल सजाया और बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है। नेक्स्ट पेंडल जो है वो भी मेहरपुर में है। तो अभी जो पेंडल है इसका ये गेट है, जो गेट उन्होंने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लाइट लगा के रखा हुआ है और पूरे रास्ते के ऊपर पूरा इस तरह लाइट लगाया है जैसे दूर से लग रहा है कि एक चादर सा बिछा हुआ है। तो ये देखिए, ये है अपोलो क्लब दुर्गा पूजा है। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो गाइस, ये देखिए अंदर का व्यू सच में बहुत सुंदर है। जिस तरह बाहर में बुक्स का थीम रखा हुआ है, सेम अंदर भी बुकों का ही थीम रखा हुआ है। ये देखिए, आप लोगों को चारों तरफ अच्छे अच्छे राइटर्स के बुक्स मिलेंगे देखने के लिए। नेक्स्ट पेंडल है जो कि तिरंगा का थीम रखा हुआ है। तो यहाँ पर दुर्गा का मूर्ति भी तिरंगे के कलर का है। ये देखिए, दुर्गा का साड़ी, गणेश का धोती, ये सब पूरा तिरंगा किया हुआ है और पेंडल भी पूरे तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। तो आप लोगों को मैं क्लोजली दिखा रही हूँ दुर्गा का मूर्ति और बाहर से भी आप लोगों को पेंडल दिखाऊँगी जो कि तिरंगा का कलर है। नेक्स्ट पेंडल जो है वो हेलागंदी रोड में है और क्लब का नाम है डे लाइट क्लब दुर्गा पूजा। ये देखिए गाइस, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया, तो अनकॉमन है थीम रखा हुआ है। आप लोगों को मैं अंदर से व्यू दिखा रही हूँ।
नेक्स्ट पंडल जो है वो बिलपार पे है और क्लब का नाम है अपंजन दुर्गा पूजा। गाइस ये बहुत ही बड़ा एरिया में पंडल बनाया हुआ है और देखने में बहुत सुंदर, और आज इस पंडल में बहुत ही भीड़ लगी हुई है, लोग लाइन लाइन बना के ही पूजा देख रहे हैं। आप लोगों को ऐसे ही देखने से समझ में आएगा कि इस समय यहाँ पर कितना भीड़ था। तो गाइस आप लोगों को ये पंडल कैसा लगा? ये सबसे बड़ा पंडल है हुआ पूजा का। तो गाइस आप लोगों को सबसे अच्छा पंडल कौन सा लगा और कौन सा जगह का लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में श्योर बोलेगा। तो मिलती हूँ कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग ने किस तरह पूजा एंजॉय किया ये भी साथ में बोलिएगा।